स्टेज इट्स रियली गुड फॉर वुमेन इन इंडिया और हमारे देश के लिए एक्चुअली अगर हम ऐसे अवार्ड हर महीने रखते भी इतना ज़्यादा यू नो इंटेलिजेंट अमेजिंग वुमेन सच गुड वर्क सब लोग के लिए दे सकते हैं ये अवार्ड यू नो बिकॉज इट्स रियली अमेजिंग अवार्ड अभी अमेजॉन प्राइम में और नेटफ्लिक्स में जो भी शोज आप देख रहे हैं सब वुमेन सेंटर्ड शोज है वुमेन प्रोड्यूस वुमेन डायरेक्टेड इट्स सो अपलिफ्टिंग एंड ऐसे वाले अवार्ड्स जब हम आते हैं यू नो इट्स नॉट अबाउट विनिंग अ अवार्ड इट्स अबाउट सीइंग ऑल ऑफ दीस वुमेन एंड सीइंग द अमेजिंग वर्क दैट दे डू सो आई थिंक इट्स Absolutely. सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ. मैं हूँ सजनी श्रीवास्तव. मैं हूँ एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर. मैंने काफ़ी सारे सीरियल्स और एड फिल्म्स में काम किया है और मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस है जिसमें मैंने फिल्में बनाई हैं और वो फिल्मों को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड मिल चुका है और मेरी जो फिल्म है वो कांस तक जा चुकी है. और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हार्ट एंड सोल को, संजय मित्तल जी को, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया, अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इनका एक हिस्सा बन सकूं. और आप सही कह रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट एक दूसरे को एम्पावर करने से ही होती है, ना कि सिर्फ बातों से होती है. एंड आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल द टैलेंटेड वुमेन आउट हियर एंड दे आर बीन फेलिसिटेटेड एंड आई वांट टू थैंक हार्ट एंड सोल फॉर टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड मेकिंग दिस हैपन. मैंने जैसे कि कहा, मैंने अभी श्रीमद् भगवत किया है जो कलर्स पे आने वाला है और फिलहाल मैं अपनी फिल्म की प्लानिंग कर रही हूँ. मेरा स्क्रिप्ट लेवल पे काम शुरू है. ये फिल्म मैं ऑलरेडी एक्चुअली मेरे प्रोडक्शन हाउस में बना चुकी हूँ जिसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड जांजीबार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मिल चुका है. तो ये यही फिल्म पे मैं काम कर रही हूँ और इसे अब प्रोड्यूस और मैं डायरेक्ट कर रही हूँ. So I'm so happy, I'm Shweta Rohira and I'm so happy that they have started a heart and soul for us women where we all are doing a lot of things but finally we are getting credit for it. So I'm very happy that you started heart and soul. Aim for organizing this kind of event. To bring all the ladies, inspiring ladies under one roof so we can grow together and inspire other people. Who are the people supporting in this cause? There are many people who might be supporting in this cause. Many. I can't take one or two names. I'll be missing a lot. But then there are a lot of people who are supporting. Talking about Heart and Soul, what is the inspiration to start this organization as Heart and Soul? I mean, what is the purpose for it? The thing is, women are doing so good in their own respective fields. And there are some women who nazar hi nahi aate hain. So we want to encourage people who are doing good work. It's a wonderful event. When I got to know that, you know, I've been invited for this event, I was so happy. You know, something like this is happening for all the inspiring women. And it feels great to be here and yeah, it's amazing. पहली बात तो जब मुझे एक्चुअली पता चला कि यहाँ पे इनविटेशन है तो आई वॉज रियली थ्रिल्ड. दिस इज सच अ प्रेस्टीजियस अवार्ड. इट्स फॉर ऑल द वुमेन आउट देयर जो इंडिपेंडेंटली कुछ करना चाहती हैं सोसाइटी के लिए और अपने लिए भी, एक्चुअली अपने लिए सबसे पहले. सो यू नो आई रिलेट टू अ लॉट ऑफ दोज वुमेन एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ हार्ट एंड सोल वुमेन विद स्पिरिट. एंड मुझे यहाँ पे अवार्ड मिलने वाला है उसके लिए आई एम मोर एक्साइटेड. यस, एक्चुअली मैं कैनेडा में रहती थी और मैं मेरी स्टोरीज बहुत लंबी हो जाती हैं. आई यूज़ टू लिव इन कैनेडा एंड आई नेवर थॉट कि मुझे इंडिया में सिंगिंग का मौका मिलेगा. जो मैं बहुत शौकीन थी सिंगिंग की बट आई डिड नेवर थॉट आई कुड मेक इट इन टू अ करियर. बट देन मेरा जो फेवरेट प्लेटफॉर्म था सारेगामापा का, उसमें मुझे आने का मौका ही नहीं मिला. इनफैक्ट आई गॉट टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स जैसे कि एक्टिंग. आई हैव डन फ्यू सीरियल्स इन सब टीवी on Sub TV and like yeah, Main Hum and a few mythological like Singhasan Batisi and she Vignaharta Ganesha. So matlab I got more opportunities than I ever thought that I could get. So that's about me. ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये लोग बहुत सारी फीमेल्स को एक्नॉलेज करते हैं और बहुत सारी चीज़ों पे लोग काम करें. और मैं बहुत इंस्पायर हूँ माला जी से और संजू जी से कि उन्होंने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं कि वुमेन जो है हमारे एम्पावरमेंट के बारे में बहुत सारी बातें कर भी रहे हैं. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम. देखिए, मेरा तो चैलेंजेस बहुत था, बचपन से ही था. शुरू किया था फिल्म से
और वो करते करते बाद में मैं एक टैरोट मास्टर हूँ, साथ में स्पिरिचुअल कोच भी हूँ, और मैं ना फीमेल की मेंटल हेल्थ पे काम करती हूँ ज़्यादा करके, कि आजकल फीमेल्स को मेंटल हेल्थ को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जब जुड़ी हूँ इनके साथ में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये लोग जो कर रहे हैं, जो हमारे लिए इन्होंने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहाँ पर ये एक्नॉलेज करते हैं और हमको बहुत अच्छे से मतलब प्लेटफॉर्म दिया है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम। It's not about helping about in a women empowerment. I think once you're born a woman, a female, you're already empowered. That's what I've already said. We are fierce. We have everything within us. Awards like this, it's like a pat on your back. Encouragement. Jise bachche ko milta hai na, shabash, bahut acha kiya. So we need that. We need to give that to each other. That little pat on the back. So we fly higher. That's about it. And Sanjay ji is such a beautiful initiative he's taken, and you know, he's brought this award specially for women. Beautiful. I've done a lot of TV shows with Balaji, shows like Kasam Se Khwahish, Surya Putra Karan. Right now my show is currently on air on NTV. It's called Dial, and my character's name is Asha in it. I've done a film called Chocho Super Chore, which was released in 2013. Apart from that, I've done commercials like Dabur, Nestle, India Bulls, so on, about 110 or so. But you look beautiful, Diana. You and the name is such, but you are so gorgeous. Thank you. Thank you so much. Good. Congratulations for your thank award. Thank you so much. I'm really honored to be here. It's so inspirational, you know, to be. You feel so powerful. You feel, you know, one of the most achievable, as if you've achieved something in life, it makes you feel really great, and I'm really motivated, you know. Thank you so much. Thank you so much for having me here. Thank you. For the event and how important, I mean, not as women empowerment issue is being highlighted everywhere, so what would you say? I think this is the only award I know where I can see such pretty women and they are recognized, their talent is recognized, and all of them are wonderful. All of them have journey which can inspire others. So it's such a beautiful gesture that they are rewarding all of them. And through this, we get to know each other and we know each other's journey and get inspired. Something about you and what kind of challenges you have faced and what achievements you have done and what are your challenges? This is like a long story. I'm an actress. My name is Sameeksha. You would have maybe recently seen me in my show Porous. I played Alexander's mother in that. So I get inspired every day with everyday events. That character I played, that inspired me so much. So I think life is beautiful. If there are no events, there's no journey, we will not learn anything. So I'm grateful to God for giving me some lows in life, ups and downs, so that I can learn through those experiences. Thank you. मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, and thank you Sanjay ji for inviting me. I'm Mrs. Bena's story wala. I'm a Bharatanatyam exponent, और मैं 25 साल से उत्कर्ष डांस अकेडमी करके एक संस्था चलाती हूँ, और I'm really very happy where I'm seeing so many women supporting each other. और हार्ट एंड सोल तो भरतनाट्यम में हम वही करते हैं कि हम इंडियन कल्चर के थ्रू से हार्ट एंड सोल को ही टच करने की कोशिश करते हैं. तो ये जो मुझे विमेन विद स्पिरिट का अवार्ड मिल रहा है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ संजय जी की एंड हार्ट एंड सोल की. एंड आई थिंक इट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर एवरी विमेन टू स्टैंड हियर एंड गेट दिस अवार्ड. इट्स वेरी प्रेस्टिजियस एंड आई एम थैंकिंग यू एवरीबॉडी फॉर बीइंग हियर. थैंक यू सो मच. थैंक यू माला. वेरी वार्म वेलकम आई वुड से. एंड जो भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए होता है मैं हमेशा उसमें सहयोग देती हूँ. एंड तारीफ तो हमें हमेशा महिला की इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि वो हर तरह का रोल अदा करती है आपकी ज़िंदगी में, कभी माँ बनकर, कभी बहन बनकर, कभी बेटी बनकर, कभी पत्नी बनकर. तो वुमेन को इज्जत दीजिए और उनकी दुआएं लीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि हर कामयाब इंसान के पीछे औरत का हाथ होता है. ये सही होता है क्योंकि उनकी दुआएं और उनका प्यार हमेशा साथ होता है, और जिनके साथ दुआएं और प्यार होते हैं उनकी कभी हार जिंदगी में नहीं होती है. सो एंड ऑनर्ड आई वुड से दैट, एंड क्रेडिट गोज टू संजय जी कि उन्होंने वुमेन के लिए इतना सब कुछ किया है. एंड मैं चाहूँगी कि यू नो ऐसे प्रोग्राम्स और आते रहें, बढ़ते रहें. एंड कहते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी तरह अपने देश को आगे बढ़ाओ.